मणिपुर के संबंध में। I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India. मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मैम नहाई मोदी मरुन थोकदो मरुन थे मरुन मैम लोल मरुन मैम लोलिसे लोलिने सामानी मोदी जी नेंगे ममदब कनसे लापदी मांगे नागरि ममाजे थमदब मोदी ने तमीनसे वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी 11,000 से ज्यादा FIR की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 FIR की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृहमंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की दो टीमें वहां पहुंची है, यानी कि प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहां का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है।
उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी और ये हमारे कार्यक्रम में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है और राष्ट्रपति जी सभापति आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था, वो 5 साल लगातार चला था। तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हरेक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में, शांति लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। Sukina MP Taropada Wanga Mangam Base Kanamda Nasi Kobanga Manga Wanga Mangam Dibi Ozabi Mon Katani Hazana Wanga Akuri Lebang Sigi Lan Sigi Lan Sigi Maranda Potoga Wanga Mangam Base Dore Pisipi Boriba Mayam Dukari Kari Hai Bangam Ge Order Pam De Order Pam De Matam Pam De Na Ayam Pidin Rutuki Bangam Tani Ozabi Mon Katani Wapas Nangam Mangam Base A moment in the history of India that has never happened, called the tragedy of Manipur, which is sought to be silenced by the government. And it is an irony that such an important matter, which is sought to be silenced, gets an opportunity as the midnight hour approaches. And this reminds me of the fact that people in my home state, the time is 2 hours ahead of Delhi. And we have been dancing on the tune of Delhi and the time that is supposed to be approaching 12 at the moment. People like Janu Barua and others have demanded for years that North East should have a separate time zone. Only then you will be able to live with dignity and a sense of well-being. The kind of priority that I can sense is this moment that I get a chance to speak. Mr. Speaker, sir, I'm just trying to, Mr. Chairman, I'm drawing your attention to the absence of Manipur in the President's address. This is not a simple absence. It is a reminder of a Rashtra Chetna which excludes people. You must realize that more than 60,000 people are languishing in relief camp in a wretched conditions for the last 1 year. If anybody has read partition of this subcontinent, which I have done, I was associated with a research project. We have interviewed more than 1,500 survivors of partition of 1947, and you are witnessing the same thing. People are living in a wretched conditions that I cannot even mention here. 60,000 people homeless is not a joke. 200 plus people died. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other, defending their villages. And the Indian state is a mute spectator to this tragedy for 1 year. I must remind this house that each and every square centimeter of Manipur is covered by a central armed forces. It is one of the most militarized areas in this country where you have more armed policemen than the civil police, besides the armed forces of the union. Despite this, how is that 60,000 people were rendered homeless and villages in thousands were destroyed? And yet,
our prime minister remain mute, not even a word. And the presidential address did not even mention that. Shame, 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 shame. And I said that this silence is not normal. It is a reminder of the fact which many scholars have said, that there is a continuity between colonial and the post-colonial period. Today we are observing a day where we begin a new criminal laws, seemingly discarding the colonial heritage. But as Ashish Nandi says, colonialism is a state of mind. It is a psychological phenomenon. It is an outlook, the way you look at the people, the way you look at the world. And the fact that this continuity is shown by neglecting the tragedy of a state, which is the 19th state of the union, it is amazing to see that I get an opportunity as the midnight hour approaches to register this anguish and this hurt of the denial that this country has meted out to its own citizens in the state of Manipur. I must ask these questions to the House. Is this silence communicating to the people of the Northeast, and Manipur in particular, that you don't matter in the Indian state scheme of things? Major Lysham Jotin, who was awarded Ashok Chakra while grappling with suicide bomber, was a Manipuri. Who was awarded Ashok Chakra, you are dishonoring his own state. Major Ngangom Joy Datta, who was awarded Veer Chakra while fighting for this country and doing his duty as a part of the peacekeeping force in Sri Lanka in 1987, you are dishonoring this man. You are dishonoring the likes of the youths who hold the tricolor in international platforms, the likes of Mary Kom, Sarita Kunjarani, and Mirabai Chanu. You are saying that you don't matter in this country. Your state doesn't matter in this country. You are also saying that the likes of Ratan Thiam, the icon of the culture of this country, Arivam Sham Sharma, don't matter in this country. If you have an iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. This must be registered. Please raise your point of order. If you wanted to doubt the nationality and the nationalism of the people of that state, you must realize that these people have fought for the country. These people have brought plural to this country. Please remember this. And that is what the silence means. One second. क्या बात कर रहे हो? And I am telling you this. हो सकता है? मेरी कॉम को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. हमने कैसे नहीं इज्जत दी मणिपुर को? मणिपुर को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया. और आपसा जो है, मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मेरे मामा को मणिपुर में गोली लगी. वो सीआरपीएफ के डीआईजी थे. इनको शहीद नहीं पता है. और 1956 में पहला आपसा मणिपुर में लगा. और 1956 से आज तक कांग्रेस के कारण मणिपुर की यह स्थिति है. After independence, can you negate this fact? We are talking about the inclusion of the Northeast history after 75 years. That's a classic exclusion. India was an anthropological subject, not a historical subject in the eyes of the colonial forces. And today, the Northeast remains outside of the history of the Indian history textbook. That is why you treat them as the other. And that's the silence. And the silence on the Manipur tragedy is not unique. It is a reflection of this general continuity of the colonial in the post-colonial. It is sad to see a nationalist party like the BJP will feel comfortable with this silence on the tragedy of Manipur. Keep your hands on your heart and think about the 60,000 people who are linguistic in relief camps. No. And those mothers, those widows, think of them. And then you talk about nationalism. Point is made. He made only then we will understand what this tragedy means. And
Mr. Chairman, the hurt, the anger has thrown a nobody like me to be part of this temple of democracy. Beating the BJP cabinet minister, think about the pain. If you hear an anxiety, anguish, and pain in my voice, please go back and see those 60,000 people languishing in the relief camp. Don't talk about partition remembrance till you win that. I would keep going. The